हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। तो कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस सेशन में हम पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, कुछ क्वेरीज हैं जिनका आप सभी भी आंसर चाहते हैं, जैसे स्कूलों को ज़मीन दान करने से संबंधित, या फिर काउंसलिंग हो जाने के बाद रिजल्ट आने से संबंधित, या ज्वाइनिंग से संबंधित कि ज्वाइनिंग कब तक होनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, चर्चा की शुरुआत करते हैं ज़मीन दान करने वालों से रिलेटेड। तो ये तो हमें पता ही है कि ज़मीन दान करने वालों को 8 अंक मिलेंगे, लेकिन यहाँ सवाल कई अभ्यर्थियों के मन में है कि अगर ज़मीन दादा या दादी ने दान की हो तो अंक मिलेंगे या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि अगर दादा या दादी ने ज़मीन दान की है तो भी 8 अंक मिलेंगे और दिए भी जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर किसी की बहू ने अप्लाई किया है तो उस केस में ज़मीन दान करने के अंक मिलेंगे या नहीं। तो इसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि ये अंक बेटे या पोते को मिलेंगे, ना कि बहू को। एक बात ये भी कि ज़मीन दान देने वालों को प्रेफरेंस दी जा रही है कि नहीं। तो इसमें जो पॉइंट इक्वल मार्क्स होने पर क्लैरिफिकेशन वाली नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, उन्हीं को ही फॉलो किया जा रहा है। इसमें अभ्यर्थियों से सिर्फ यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज़मीन किसने दान दी है और पहले परिवार से किसी मेंबर ने बेनिफिट लिया है या नहीं। अगर नहीं, तभी अभ्यर्थी को 8 अंक दिए जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी क्वेरी की। तो इसमें प्रश्न ये है कि काउंसलिंग के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यानी रिजल्ट कब तक घोषित किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि 2 से 3 दिन का समय लिया जा रहा है रिजल्ट घोषित करने के लिए, और जिन स्कूलों का रिजल्ट पहले रेडी हो रहा है उनकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पहले जारी कर रहे हैं, और जिन स्कूलों के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो उन्हें 1-2 दिन का समय दिया जा रहा है, और उसके बाद उनकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जा रही है। एक फाइनल क्वेश्चन है कि काउंसलिंग भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया, तो अब ज्वाइनिंग कब तक प्रदान की जाएगी? तो इसके लिए कुछ ब्लॉक्स के BEO से संपर्क किया गया, तो उन्होंने ये जानकारी दी कि ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी करने के लिए हम हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वे ज्वाइनिंग ऑर्डर्स को जारी करने के आदेश देते हैं तो तुरंत ही ये ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे, पर फिलहाल थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए। वैसे अभी कई ब्लॉक्स में काउंसलिंग प्रक्रिया चली हुई है और कुछ जिलों के ब्लॉक्स में तो अभी तक तिथियां ही निर्धारित नहीं की गई हैं काउंसलिंग के लिए। तो इससे रिलेटेड जैसे ही अपडेट मिलती है सबसे पहले आप तक इसकी जानकारी पहुंचा दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।